सूजी टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड। मैंने यहाँ व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है, आप वाइट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे 1/4 कप महीन कटी प्याज, 3 टेबलस्पून महीन कटी शिमला मिर्च, मल्टी कलर या आप कोई भी कलर की शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून महीन कटी हरी धनिया, 1/4 कप दही, 1 महीन कटी हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून कटे और बीजे निकले हुए टमाटर, 1/2 कप सूजी, बटर या मक्खन, नमक और तेल। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर लगाने के लिए सूजी का मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में हम यह सूजी लेंगे, इसमें दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इनको अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और पकौड़ों जैसा स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसको बहुत थिक ना बनाएं, नहीं तो ब्रेड पर डालने के बाद सूजी अंदर तक सिकेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, हमें इस तरह का स्मूथ और फ्लोई बैटर बनाना है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हरी धनिया, शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे और इनको मिला लेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने थोड़े प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च बचा लिए हैं, इनको हम ऊपर से सजाने के काम में यूज़ करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को करीब 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आइए मिक्सचर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि सूजी फूल गई है और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिलाकर एक सार कर लेंगे। अब यह तैयार है, हम टोस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम यह एक ब्रेड का पीस लेंगे, इस पर थोड़ा सा केचप डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरी तीखी चटनी, मिंट चटनी या फिर लहसुन मिर्च की चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर यह सूजी का मिक्सचर डालेंगे, इसको अच्छे से ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला लेंगे। इसकी थिन लेयर डालें, बहुत मोटा ना फैलाएं, नहीं तो सूजी ठीक से सिकेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। हम इस पर थोड़े से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ऊपर से लगा देंगे, जिससे सिकने के बाद टोस्ट बहुत ही कलरफुल लगेगा। यह तैयार है, आइए इसे सेक लेंगे। इसके लिए पैन को हम धीमी आंच पर गरम कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम टोस्ट की सूजी वाली साइड नीचे तवे पर रखेंगे और इसको थोड़ी देर तक सिकने देंगे। आप कोशिश करके इसको नॉनस्टिक पैन पर ही सेकें, क्योंकि सादे पैन पर कई बार ये चिपक जाता है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से बटर लगा देंगे। आप इस तरह से अच्छे से फैलाकर पूरी ब्रेड पर बटर लगाएं, जिससे ये सिकने के बाद बहुत क्रिस्प हो जाएगी। हम इसको हल्के हाथों से दबा देंगे, जिससे कि ये अंदर तक सिक सके। मैं अक्सर ये टोस्ट बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना के देती हूँ और उनको शाम को स्नैक्स में भी बनाती हूँ। ये खाने में काफ़ी लाइट होते हैं और टेस्टी होते हैं। हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे। जब नीचे से ये क्रिस्प और ब्राउन हो जाए, हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया है और क्रिस्प हो गया है। हम इसको दूसरी साइड से भी क्रिस्प होने देंगे। अब यह नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। यह तैयार है, हम इसको तवे से हटा लेंगे। आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। तो जब भी आपको शाम को कुछ फटाफट स्नैक्स में खाने का मन हो, तो ये सूजी टोस्ट ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।